कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये PBR 322 बतलाए, सारा स्ट्रक्चर समझाए और फिर रिकॉल करो कि सेलेक्टेबल मार्कर कौन हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स और एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। पहले भी पढ़ाए थे, एक सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट, बट परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, यानी जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, और जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा उसको सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है ना। सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं हो बट परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, यानी जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो। अब इसी से समझा बे, ये जान रहे हो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स हैं, शॉर्ट करके करा दिया। ये क्या है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स हैं। यहाँ पर मान लीजिए बाम H1 है, राइट। अब PBR 322, अब क्या करें कि यहाँ पर बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का यूज किए और इसको यहाँ से कट कर दिया, राइट। बाम H1 का यूज हुआ तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज हुआ, ये यहाँ से कट गया। अब इसी में क्या किए, नेक्स्ट, राइट। अब इसी में क्या किए बोलिए, एलियन डीएनए को जोड़ दिए। ये क्या हुआ, एलियन डीएनए, राइट। अब बोलो ये जो वेक्टर है ये क्या हो गया, बोलो ये वेक्टर जो प्लाज्मिड है इसमें जब एलियन डीएनए जोड़ दोगे, इस एलियन डीएनए को बोलो आप, इस वेक्टर को क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट। ये अब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। बोलो समझे इसको। अब ये बतलाओ कि जब इसमें एलियन डीएनए जोड़ दिए किस पोजीशन पर, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, यानी ये जो सेलेक्टेबल मार्कर था उसके पोजीशन पर किसको जोड़े, एलियन डीएनए को, कि
किसके द्वारा? बेम एच वन के द्वारा। तो बोलो अब यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होगा या टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा? क्या है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी इसमें? आप क्या है, लूज कर जाएगा। क्यों लूज करेगा बोलो? चूंकि यहां तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को हम कट कर दिए और उसमें एलियन डीएनए को डाल दिए, जिसके कारण ये क्या होगा, अब जो यह रिकॉम्बिनेंट है विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी, राइट? तो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, इट लॉस्ट, इट लॉस्ट इट्स टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी। राइट? क्यों? बिकॉज बाय लिगेशन ऑफ, यानी जुड़ने से या इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इज डिस्ट्रॉय, लॉस्ट इट्स टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज बाय लिंकिंग एलियन डीएनए टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इज डिस्ट्रॉयड। बोलो समझे इसको? अब इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी तो लॉस्ट कर गया है, लेकिन बोलो इसका एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है वह परसिस्ट कर रहा है या परसिस्ट नहीं कर रहा? एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन तो इसमें क्या है, परसिस्ट कर रहा है, ये इंटैक्ट है, राइट? अब तुम ही बतलाओ, इसको अगर हम होस्ट सेल बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर्ड टू होस्ट सेल, मान लो इकोला, राइट? तो बोलो आप इस बैक्टीरिया को क्या करोगे, क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्मेंट, और इस प्रोसेस को क्या कहिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो कई बार समझा दिए हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या है बोलो, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं तो उस होस्ट सेल को क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्मेंट। और इस प्रोसेस को क्या कहिएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। जिसमें यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसमें एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। अब इसको अगर हम इस जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को अगर हम एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में अगर हम इसको रख दें, यानी मान लो यह बैक्टीरिया है, इसको एक प्लेट है जिस प्लेट में क्या है? एम्पीसिलिन है। तो अगर मान लो इस बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन मीडियम में अगर रख दें तो बोलो यह बैक्टीरिया बचेगा या यह बैक्टीरिया मर जाएगा? तो यह बैक्टीरिया क्या होगा बोलो? बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है? एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, राइट? तो यहीं पर अगर हम आपको समझावें, प्लेसिंग इट इन द एम्पीसिलिन कंटेनिंग प्लेट, शॉर्ट में लिख दें, प्लेसिंग इट इन द एम्पीसिलिन कंटेनिंग प्लेट, क्या होगा बोलो? इट वुड सर्वाइव, इट वुड सर्वाइव। लेकिन बोलो अगर इसको अगर हम रख दें टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में, प्लेसिंग इट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट, तो बोलो ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है। ये क्या होगा? इट वुड एलिमिनेट। समझे? लेकिन ये बतलाओ, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको कहेंगे बोलिए? जिसमें एलियन डीएनए नहीं है, वह नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो बोलो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में सर्वाइव करेगा या केवल टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव करेगा कि दोनों में सर्वाइव करेगा? तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें तो दोनों जीन इंटैक्ट है, इसलिए वो क्या होगा? दोनों में सर्वाइव करेगा। समझ में आया? यही लिख दें, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल सर्वाइव इन बोथ टेट्रा साइक्लिन एंड एम्पीसिलिन मीडियम, राइट? आप कहोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर वह टेट्रासाइक्लिन मीडियम में अगर वो
खत्म हो जाता है, इससे तो साबित हो जाएगा ना कि जो वेक्टर था उसमें कोई एलियन डीएनए क्या है अटैच्ड हो गया। अगर दोनों मीडियम में सरवाइव कर रहा हो, इसका अर्थ क्या है, उस वेक्टर के साथ कोई भी एलियन डीएनए का लिंकिंग नहीं हुआ, राइट। इस तरह से दो सेलेक्टेबल मार्कर में एक सेलेक्टेबल मार्कर जो है एम्पीसिलिन, ये किसको आइडेंटिफाई करता है, इट आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेन। दो जो सेलेक्टेबल मार्कर लेते हैं उसमें से एक सेलेक्टेबल मार्कर किसके लिए है, फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेन। चूंकि तुम देखे कि चूंकि इसमें हम टेट्रासाइक्लिन पर लगा दिए थे, ये तो लॉस्ट कर गया, लेकिन एम्पीसिलिन मीडियम में यह बैक्टीरिया सरवाइव कर गया। इस तरह से ये क्या है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मर, राइट। इस तरह से इससे क्या साबित हो गया, तो दो मार्कर में से एक मार्कर एम्पीसिलिन क्या देखे कि यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, फॉर आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेंट। सो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स हैं, ये क्या है, ये लॉस्ट कर जाता है ड्यू टू लिंकिंग ऑफ द एलियन डीएनए, राइट। तो नेक्स्ट लिखे हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इज इनएक्टिवेटेड बाय इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए so tetracycline resistant gene is responsible for marking the recombinant, right। so tetracycline resistant gene responsible for identifying recombinant, right। इतना पढ़ाने के बाद बेसिकली अब आप तुम समझ गए होगे कि दो सेलेक्टेबल मार्कर में एक सेलेक्टेबल मार्कर एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है वह किसको आइडेंटिफाई करता है, ट्रांसफॉर्मेंट को, और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट
इज फॉर सेलेक्टिंग द आइडेंटिफाइंग या सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट। ये किसके लिए है? रिकॉम्बिनेंट के लिए। अब ऐसा नहीं तुम्हारा मन हो जाए कि मान लो एलियन डीएनए को हम किसमें इन करा दें, एम्पीसिलिन में, तब एम्पीसिलिन क्या होगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एम्पीसिलिन किसके लिए हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट के लिए। और टेट्रासाइक्लिन इंटैक्ट होगा, वो किसके लिए हो जाएगा? सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मर। लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स हैं उसी पर एलियन डीएनए को इन करा के टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, और इस तरह से वो किसके हो सेलेक्ट करता है? रिकॉम्बिनेंट को। और ये जो है एम्पीसिलिन किसके लिए हो गया? ट्रांसफॉर्मेंट के लिए। तो ये दो टर्म अब आपको याद रखना, कौन कौन? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन फॉर सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट, और एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन फॉर सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मर। एक अब इसी में आपको बतलाव है कि अभी जो बतलाए हम, या जो सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट बाय इंसर्शन ऑफ द एलियन डीएनए विथ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स, दैट इज द टेट्रासाइक्लिक रेसिस्टेंट जीन्स, इट इज ए क्यूम्बरसम प्रोसेस। ये एनसीईआरटी का सेंटेंस, मतलब ये काफी कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए तुम ही देखो हमको एक साथ दो प्लेट रखना पड़ता है, एक में टेट्रासाइक्लिन, दूसरे में एम्पीसिलिन, और तब जो एम्पीसिलिन में वो एग्जिस्ट कर गया, टेट्रासाइक्लिन में दिए तो एलिमिनेट कर गया, तो अगर एलिमिनेट कर गया टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, राइट, तो उससे क्या पता चला कि इसमें एलियन डीएनए जो है लिंक कर गया है। तो ये एक काफी क्यूम्बरसम प्रोसेस है, ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए अब एक नया सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया है, राइट। तो नेक्स्ट इसको लिखा हुए,
क्या बतला रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ इंसर्शनल एक्टिव इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इज ए डिफिकल्ट मेथड बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली because it require simultaneously plating with two different antibiotics. Kata hai ki selection of recombinant ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स राइट. या आपको बोले थे कि टेट्रासाइक्लिन में दोगे तो टेट्रासाइक्लिन, अगर एम्पीसिलिन में दोगे तो वो क्या होगा, एम्पीसिलिन लूज कर जाएगा. तो या तो ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, या हम क्या लिख सकते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. कहता है कि इट इज ए डिफिकल्ट मेथड, इट इज ए डिफिकल्ट मेथड बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स, साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स विथ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, विथ डिफरेंट एंटीबायोटिक राइट. तो अभी आपको बतला, एक में टेट्रासाइक्लिन डालते हैं फिर एम्पीसिलिन डालते हैं, तो इसके लिए क्या है, एक नया सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का आइडेंटिफाइंग जो है वह कलर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके देता है. तो कहता है सो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर has been developed that has the ability to selecting the recombinant
that has the ability to selecting the recombinant because it has potential to produce color in the presence of chromogenic substance X-gal. अब कहता है कि एक अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर को डेवलप किया गया है दैट हैज द एबिलिटी टू सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट, जिसमें रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने की आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है. क्यों? कि इट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस कलर. यह जो है एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है जिसका नाम है एक्स गल. यह एक्स गल के प्रेजेंस में क्या करता है? कलर को प्रोड्यूस करता है. अभी आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर यह सिलेक्टेबल मार्कर हुआ क्या या एक्स गल सब्सटेंस के प्रेजेंस में ये कलर को कैसे प्रोड्यूस करता. हमको लगता है कि शायद आप ये बैक्टीरिया में पढ़े होंगे कि उसमें जो जीन होते हैं लैक जेड जीन्स जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, बैक्टीरिया में जो जीन है या जो डीएनए है उसमें लैक जेड जीन पाया जाता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता, राइट?
अब देखो जो अभी बतला रहे थे कि लैक जेट जीन में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम पाया जाता। अब एक दूसरा वेक्टर बनाया गया, उससे हम समझा रहे हैं आपको, जिसका नाम है PUC18 या 19 भी इसको लिखते हैं। तो P फॉर क्या हो गया? प्लाज्मिड। U फॉर यूनिवर्सिटी। C फॉर कैलिफोर्निया। अब यहाँ पर देखो कि लैक जेट जीन में क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं एंडोन्यूक्लिएज के लिए। अब इससे समझा समझा रहे हैं, जो NCERT में दिया हुआ है उसी को समझाने के लिए हम इस वेक्टर से आपको बतला रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये जो वेक्टर्स है, इस वेक्टर्स में यह लैक जेड जीन्स है, और लैक जेड जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बोलो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स के लिए। अगर हम इस लैक जेड जीन को काटते हैं और इस पर कोई एलियन डीएनए जोड़ देते हैं, राइट? ये हो गया एलियन डीएनए। अब जो ये प्लाज्मिड हुआ बोलो, ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट। तो जैसे तुम एलियन डीएनए को इसमें जोड़ते हो, जीन सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स में एलियन डीएनए को हम जोड़ते हैं, वैसे ही क्या होगा? जीन की एक्टिविटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, यानी बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स इनएक्टिवेट, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये जो एनसीईआरटी में है उसी को उसमें दिया हुआ है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के जीन सीक्वेंस में जब हम एलियन डीएनए को इन कर लगाएंगे, लिंक कराएंगे, तो इट द जीन लूजेज इट्स एक्टिविटी, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड इन सर्सनल इन एक्टिवेशन, राइट? तो आप लोग इन सर्सनल इन एक्टिवेशन समझ गए होंगे। इफ एलियन डीएनए इज लिंक्ड टू कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टो साइडेज कोडिंग सीक्वेंस। तो कोडिंग सीक्वेंस बोलो ये किससे रिलेटेड है बोलो? ये एनसीईआरटी से अलग करके समझा रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस किसका? बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का, एंजाइम्स का जो कोडिंग सीक्वेंस है वो क्या होगा? लैक जेट जीन्स होंगे। तो वही लिखा रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस, ब्रैकेट में लिख देते हैं लैक जेट जीन्स बीटा गैलेक्टो सीडेज एंजाइम्स। तो बोलो यह जो जीन है इसकी एक्टिविटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। और जब जीन की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का क्या होगा? एक्सप्रेशन नहीं होगा। कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम द जीन
लॉसेज इट्स एक्टिविटी एंड द एंजाइम would not expressed. It is called insertional inactivation. ये बहुत important है और इसको आपको समझ गए होंगे. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या हुआ? एलियन डीएनए के जुड़ने के कारण, इंसर्ट मींस जुड़ना, एलियन डीएनए के इंसर्ट होने के कारण बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो गई? खत्म हो गई. सॉरी, लैक जेड जीन की एक्टिविटी क्या हो गई? खत्म हो गई. अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम भी बोलोगे तो लैक जेड जीन की एक्टिविटी ही लॉस्ट कर गई, तो नेचुरली क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की भी एक्टिविटी क्या हो गई? खत्म हो गई. क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा. इसी प्रोसेस को क्या कहते हो? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, राइट? अब इस कंडीशन में यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस कंडीशन में अगर हम अब इसको अगर हम बैक्टीरिया में रख देते, ये क्या हो गया बोलो? ट्रांसफॉर्मेंट. तो इस कंडीशन में अगर ट्रांसफॉर्मेंट को एक्स गल के प्रेजेंस में कल्चर कराएंगे तो बोलो कलर कॉलोनी होगा या कलर कॉलोनी का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? अभी जस्ट पढ़ाए थे कि सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया है जो एक्स गाल के प्रेजेंस में क्या देता है? कलर कॉलोनी देता है. और वो कलर जो क्रोमोजोनिक सब्सटेंस है एक्स गाल, उसके प्रेजेंस में ये कलर क्यों दे रहा है? चूंकि इसमें क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है. लेकिन चूंकि एलियन डीएनए डाल दिए तो क्या हुआ? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बना ही नहीं, जिसके कारण क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक्स गाल के भी प्रेजेंस में यह ब्लू कलर का कॉलोनी नहीं देगा. इसी को इससे साबित क्या हो जाएगा कि यह रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, राइट? अब तो एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी. तो यहीं पर लिखा रहे हैं, इन दिस इफ सच transform is such transformant, if cultured in the presence of X-gal would not produce blue color colony, ठीक है? Would not produce blue color colony. तो ये color colony को produce नहीं करेगा, यानी ये क्या होगा? Thus it denotes रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी. और ये किसको शो कर रहा है बोलो? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को. अब आप ही बतलाइए कि अगर इसमें एलियन डीएनए को नहीं जोड़े होते, अगर इस प्लाज्मिड में एलियन डीएनए को नहीं जोड़े होते और तब उस बैक्टीरिया को अगर हम एक्स गाल के प्रेजेंस में कल्चर कराते,
तब क्या होता, ब्लू कलर का कॉलोनी बनता। तो अगर ब्लू कलर का कॉलोनी बन रहा है, इट मींस क्या है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर कलर कॉलोनी डेवलप नहीं हो रहा है, इसको उसका अर्थ क्या हो गया, बोलिए, दिस इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट, राइट। तो अगर एलियन डीएनए नहीं जोड़े रहते, तब ये क्या करेगा, यह बैक्टीरिया ब्लू कलर के कॉलोनी को प्रोड्यूस कर देगा। यानी वो कैसा कॉलोनी हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अगर कलरलेस कॉलोनी को प्रोड्यूस करता है, तब ये किसको शो करता है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो यही है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, उसको हम आपको किससे समझाए, पीयूसी 18 प्लाज्मिड से। फिर से बेसिकली समझो कि इस प्लाज्मिड में क्या किया गया, लैक जेड जीन्स इंसर्ट किया गया, जिसमें क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, राइट। अब इस प्लाज्मिड को अगर हम बैक्टीरिया में रख देते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या हो गया, बोलो, ट्रांसफॉर्मेंट। और उसको कल्चर कराते हैं, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है जिसका नाम है एक्स गाल, राइट। तो जितना बैक्टीरिया ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया, सब किस कलर का था, ब्लू कलर का था। इससे क्या साबित हुआ कि वहां पर लैक जेड जीन एक्टिवेट है, जिससे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है रिलीज हो रहा है, राइट। अब क्या किया गया, वो जो पीयूसी वेक्टर्स है, उसके लैक जेड जीन से एलियन डीएनए को जोड़ दिया गया। अब तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट, जिसके कारण लैक जेड की जीन की एक्टिविटी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जब लैक जेड जीन की एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी, तो अब ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से युक्त अगर प्लाज्मिड को हम एक्स गाल क्रोमोजेनिक्स सब्सटेंस, बात समझे, ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से युक्त जो ट्रांसफॉर्मेंट है या बैक्टीरिया है, उसको एक्स गाल क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में अगर कल्चर करा देंगे, तो चूंकि एंजाइम है ही नहीं, जिसके कारण क्या है, वो ब्लू कलर कॉलोनी को प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट। यानी कोई कलर उस ऑफ स्प्रिंग में नहीं होगा। इससे साबित क्या हो गया कि वह जो कॉलोनी है वह रिकॉम्बिनेंट, राइट। तो इसी का नाम क्या पड़ा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और इस वेक्टर के कारण अब हमें टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन में प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे गैलेक्टोसिडेज रिस्पॉन्सिबल जीन्स के द्वारा हमको रिकॉम्बिनेंट की जानकारी मिल गई, और उसमें एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स हैं, राइट। तो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन से सीधे ट्रांसफॉर्मेंट की भी हमको जानकारी मिल जाती है। अगर उसको हम एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में रखेंगे, तो वो क्या होगा, सरवाइव कर जाएगा, राइट। इस तरह से ये दोनों वेक्टर जो बतलाए, वो क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर्स। अब यही दो वेक्टर्स एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ वेक्टर्स का हम केवल नाम आपको मेंशन कर रहे हैं,
कि वो भी वेक्टर्स का यूज जो है किया जाता है। तो क्या कारण है कि दूसरे वेक्टर का भी यूज हो रहा है? तो देखो, ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, ये केवल 10 किलो बेस पेयर के एलियन डीएनए को ही कैरी कर सकता है। यानी डीएनए जो 10 किलो बेस का होगा, 10 किलो बेस का होगा, उसी को ये कैरी कर देगा। अगर उससे ज्यादा बेस पेयर का जो एलियन डीएनए होगा उसको प्लाज्मिड वेक्टर कैरी नहीं करता। तो उसके लिए अब वायरस का भी यूज वेक्टर के रूप में किया जाता है। जैसे एक है बैक्टीरियोफाज लैम्डा वेक्टर, बैक्टीरियोफाज लैम्डा वेक्टर। यह जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा वेक्टर्स होता है वो करीब 50 किलो बेस का बना होता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कितना है, 50 किलो बेस पेयर का बना होता। अब यहां पर देखो, इसमें जो 20 किलो बेस का एक पार्ट होता है, ये आप लोग वायरस में पढ़े होंगे, बैक्टीरियोफाज वायरस लैम्डा में, यह जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन एंड एक्सीजन ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल। Responsible for integration and excision during lysogenic cycle. During lysogenic cycle. और इसी पार्ट का यूज जो है एलियन डीएनए को कैरी करने में किया जाता है। अभी बतलाए थे जो दो प्लाज्मिड वेक्टर कितना तक के एलियन डीएनए को कैरी कर सकता है, ओनली 10 किलो बेस का, लेकिन ये क्या करेगा, 20 किलो बेस के एलियन डीएनए को कैरी कर सकता है। तो लिखना, इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग एलियन डीएनए हैविंग कितना, हैविंग अबाउट 20 किलो बेस पेयर। तो प्लाज्मिड से ये ज्यादा बड़ा एलियन डीएनए को कैरी करता है, एक। दूसरा देखो, इसके दोनों साइट पर, दोनों स्टैंड में देखो, तुमको अनपेयर्ड एंड दिखलाई पड़ रहा है, यानी किसको शो कर रहा है बोलो, स्टिकी एंड को।
जो कितने नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है बोलो, 12 नाइट्रोजिनस बेस का। इसका नाम क्या पड़ गया बोलो, स्टिकी एंड, जो अभी बतलाए थे, या इसको हम कोहेसिव एंड, या इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस साइट। ये भी क्या हो गया बोलिए, कॉस साइट। ये कभी कभी पूछता है वो आपको बतलाए। तो लैम्डा वायरस के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स में 12 बेस का अनपेयर्ड एक्सटेंशन होता है, जिसको स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड या इसी को नाम क्या पड़ गया, कॉस साइट। इसी को क्या कहेंगे बोलिए, दिस इज कॉल्ड एज कॉस साइट। बोलिए समझ में आया। अब नेक्स्ट, वायरस में ही एक दूसरा, शायद तुम जानते होगे, M13, दूसरा M13 फेज वेक्टर। ये तुम जानते हो कि यह जो वायरस होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। तो एक ही स्टैंड का बना हुआ है, तो टोटल का टोटल क्या कर सकते हो, स्टिकी एंड हो गया। ये करीब 45 किलो एलियन डीएनए को कैरी कर सकता है। कितना को कैरी करेगा बोलो, 45 किलो बेस एलियन डीएनए को कैरी कर सकता। तो कैरीज अबाउट 45 किलो बेस एलियन डीएनए, राइट। अब और ये देखो, वायरस का एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया है कि वायरस भी वेक्टर के रूप में यूज होता है। और वायरस तो जानते हो, एक वायरस इन किया टोटल होस्ट के डीएनए को यूज करके काफी अधिक कॉपी बनाता है। और हमको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन क्या है कि हाई कॉपी नंबर, इस तरह से वायरस भी जो है हाई कॉपी नंबर को प्रमोट कर देता है। तो वो सिर्फ इतने मेंशन किया है और इसका नाम नहीं दिया था। हम आपको दोनों नाम से भी समझा दिए और कितना एलियन डीएनए को कैरी कर सकता है वो आपको समझाए, ये ब्रीफ में। अब एक नाम आता है कॉस्मिड, कॉस्मिड तीसरा, ये भी एक वेक्टर है, कॉस्मिड वेक्टर। नाम से ही देखो, कॉस्मिड, ये दो चीज से बना है, कॉस्मिड यानी प्लाज्मिड और कॉस, अभी पढ़ाए थे, कॉस साइट या कोहेसिव साइट ऑफ द बैक्टीरियोफाज लैम्डा वेक्टर। तो प्लाज्मिड प्लस कोहेसिव या कॉस साइट, साइट ऑफ बैक्टीरियो फाज लैम्डा, लैम्डा बैक्टर, राइट। तो कॉस्मिड का अर्थ क्या होगा बोलो, ऐसा वेक्टर जिसमें प्लाज्मिड को भी लिया गया और बैक्टीरियो फाज के कॉस साइट को भी इंट्रोड्यूस किया गया, उसको क्या कहेंगे, कॉस्मिड वेक्टर। बोलिए समझे इसको।
अब इसके अलावा जो है एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है सटल वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट्स हैं। यह सटल वेक्टर्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के लिए ओरिजिन और सेलेक्टेबल मार्कर होता है। यानी इस सेटल वेक्टर का यूज आप किसको होस्ट बनाने के लिए कर सकते हो? यू कैरियोटिक सेल को। अभी तक जो भी बतला रहे थे वो सब क्या था? प्रो कैरियोटिक सेल। सब इकोलाई बैक्टीरिया में एलियन डीएनए को हम क्लोन करते हैं, लेकिन सेटल वेक्टर जो है इसमें यू इसके द्वारा यू कैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्लोनिंग किया जा सकता है, चूंकि इसमें ओरिजिन और सेलेक्टेबल मार्कर प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए भी हैं और यू कैरियोटिक सेल्स के लिए भी हैं। तो लिख दें यूज्ड फॉर बोथ प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल। इट हैज ओरिजिन एंड सेलेक्टेबल। ठीक है, तो लाइन ही कट गई थी क्या? शायद पढ़ा रहे थे कि सटल वेक्टर्स में ओरिजिन और सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो प्रोकैरियोटिक के लिए भी होते हैं और यूकैरियोटिक के लिए भी होते हैं। इट हैज, ये भी लिख सकते हैं, टू टाइप ऑफ ओरिजिन एंड सेलेक्टेबल मार्कर जिन वन टाइप वन टाइप फंक्शनल, यानी एक टाइप का ओरिजिन और सेलेक्टेबल मार्कर जो होगा फंक्शनल इन प्रो कैरियोटिक सेल और अदर टाइप फंक्शनल इन यू कैरियोटिक सेल, और दूसरा टाइप का फंक्शनल किसमें होगा? यू कैरियोटिक सेल्स में। ये सटल वेक्टर देखे कि यह प्रोकैरियोट और यू कैरियोट दोनों के लिए यूजफुल है। इसके अलावा कुछ और वेक्टर बनाया गया है। जैसे BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इसके द्वारा 300 से 350 किलो बेस के एलियन डीएनए को कैरी किया जा सकता है। और इसी तरह से YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इससे भी करीब 350 किलो बेस का एलियन डीएनए को कैरी किया जाता है। अब जो दो इंपॉर्टेंट्स हैं,
एक है टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टी आई प्लाज्मिड, इसका भी यूज वेक्टर के रूप में है। और दूसरा है रेट्रोवायरस, ये प्लांट के लिए है और रेट्रोवायरस एनिमल के लिए। इस दोनों वेक्टर्स को हम जब एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे उसमें आपको बतलाएंगे, राइट। इस तरह से जितना भी वेक्टर्स था वो आपको समझाए, और जो एनसीईआरटी का था उसको कम्प्लीटली एक्सपोज वे से उसको आपको समझाए, और सबका केवल नाम मेंशन कर दिए। अब सटल वेक्टर कोई पूछा तो दो लाइन में वो समझा दिए पीएसी क्या है, वाईएसी क्या है, राइट। और आप याद रखिएगा फोकस करना है किस पर, पर्सनल इनएक्टिवेशन, वो भी हम आपको बतलाए। अब नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही कुछ है जो आगे हम आपको अभी जस्ट पढ़ाएंगे।